आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं प्लॉटिंग ऑफ डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन. वो डेसिमल नंबर्स जो होंगे वो दो प्लेसेस, तीन प्लेसेस, चार प्लेसेस या नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, उनको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. कुछ नंबर्स हम लेंगे यहां पर. जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए कहा जाए 5.1 या 5.3 या 5.6, तो यू कैन इजीली प्लॉट द ऑन द नंबर लाइन. दैट नंबर आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए 5.54 इस टाइप के नंबर्स को अगर आपको प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो शायद आपको प्लॉट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है. तो उसके लिए यहां पर एक मैग्निफिकेशन मेथड होता है. इस मैग्निफिकेशन मेथड से हम उसको शो कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, तो कैसे करना है. सपोज अगर मैं कुछ नंबर्स लेके आपको बता रहा हूं, मान लीजिए अगर मैंने लिया नंबर 5.3. अब अगर 5.3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है या विजुलाइज करना है तो आपको पता है ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा. तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके यहां पर 5 लिखेंगे. ओके, और यहां पर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड 6. तो यहां पर 6 लिख सकते हैं और ये 5.3 आप यहां पर प्लॉट कर सकते हैं. सो दिस इज द मेथड फॉर प्लॉटिंग अ नंबर ऑन द नंबर लाइन विच हैव वन डेसिमल प्लेस तक अगर किसी नंबर को प्लॉट करना है तो इस तरीके से करते हैं. मान लीजिए अगर इसी में 5.36 आ जाए, इसी नंबर में अगर 5.36 आ जाए तो ये नंबर 5.3 और 5.40 के बीच में लाई करेगा. तो 5.3 और यहां पर है आपका 5.4, ये है 5.4. तो अब हम इसको जो है ना एक्सपैंड करेंगे. तो एक्सपैंड करने के लिए तरीका देखिए, पहले ये एक लाइन ड्रॉ करके यहां पर आप बनाइए, एक लंबी लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पे लिखिए 5.3. इसके बाद 9 लाइंस, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 एंड 5.4. तो ये हो गया आपका 5.4 और ये 5.4 को आप यहां लिखिए. सो मैंने क्या किया है, इसको यहां पर मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया है. ये जो नंबर्स थे यहां इस बीच, यहां पर मैंने क्या किया, मैग्नीफाई किया, लेंस लगाया गया, इसीलिए यहां पर मैंने एक लेंस बनाया. ठीक है, तो इन दिस वे आप प्लॉट कर सकते हैं 5.36. तो ये हो गया 5.31, फिर ये हो गया 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36. ये हो गया आपका 5.36. ओके, अब आप खास चीज ध्यान से देखिएगा, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको दिखाना है किसी नंबर को, विजुलाइज करना है नंबर लाइन पर, तो उतनी ही नंबर लाइंस बनती हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक. अगर तीन प्लेसेस होगा तो हमें दो बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा. इसमें एक बार मैग्नीफाई किया आ गया, फिर अगर तीन डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो हमको दो बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा, और अगर और प्लेसेस तक करना है तो और बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा. मतलब जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को शो करना है उतने नंबर लाइन को आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, एक के नीचे एक के नीचे एक, इसी मेथड से. आई बात समझ में. ठीक है, तो एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद उसको भी मैग्नीफाई करके देखते हैं और कहां पर वो लाइक करेगा. ठीक है, समझ में आया आपको.
तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लेने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3.765। ठीक है, तो तीन डेसिमल नंबर्स, यहां तीन डेसिमल प्लेसेस का नंबर है ये 1, 2, 3, थ्री डेसिमल प्लेसेस तक नंबर है। ठीक है, इसमें इसका मतलब तीन नंबर लाइंस आपको एक के नीचे एक बनानी पड़ेगी, मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, ये नंबर ध्यान से देखिए, ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करता है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 3.765। तो ये नंबर 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो हम सबसे पहला जो नंबर लाइन इसमें बनाएंगे वहां पर हम दिखाएंगे आपको, ये है आपका 3 और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4। ये नंबर आप पहले ये नंबर लाइन बनाइए और आप देखिए 3.7 से भी ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है। तो यहां पे 3.7 देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रहा आपका 3.7 और ये रहा 3.8। तो बस अब इसके बीच में कहीं पर लाइन करना चाहिए 3.76। पहले हमको 3.76 को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद में 3.768 को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, 3. इसी के बीच में यहां आना चाहिए, मतलब एक लंबी सी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आप 3.7 और 3.8 को आप यहां पर एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर लीजिए, बहुत ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। 3.7 यहां पर 3.7 आएगा और फिर 3.8 को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन बनाने से क्या थोड़ी सी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि हमको कहां पर नंबर को दिखाना है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली वही का वही आए, कोई जरूरत नहीं है, मतलब हमको 3.71, 3.72, 3.76 को पकड़ना है। तो 3.76 यहां पर आना चाहिए, तो थोड़ा नंबर लाइन को और थोड़ा दूर कर लेते हैं। अगर हम ये ध्यान दें तो ये आ गया आपका 3.7। ठीक है, यहां से नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80। तो ये हो गया आपका 3.8। तो यहां पर भी आप जीरो लगा सकते हैं, यहां पर भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और ये है 3.76। तो ये हो गया आपका 3.76 और ये हो गया 3.77। इसके बीच में लाई करेगा 3.765, तो फिर से हमें इसको एक्सपैंड करेगा। अच्छा, यहां से पहले इसको आप मिला दीजिए, ये मिलाया और यहां पर आप मैग्निफिकेशन कर दीजिए, मतलब यहां पर एक छोटा सा सर्कल टाइप का बनाकर आप मैग्निफिकेशन, ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूं मैंने यहां पर मैग्निफाई किया। अब हम यहां पर मैग्निफाई करेंगे। ठीक है, तो यहां नंबर ये इसको ऐसे थोड़ा सा खिसका लीजिए और बड़ा बना लीजिए और यहां से स्टार्ट कीजिए आप 3.76। ठीक है, और जीरो लगा सकते हैं अब 3.76 1, 3.76 2, 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, ये 3.76 6, 3.76 7, 3.76 8, 3.76 9, 3.77 7, 3.770। तो ये हो गया, हमने इसको एक्सपेंड किया। ओके, सो मतलब हमने यहां पर एक्सपेंशन किया है, यहां पर मैग्निफाई किया है
सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके दिखा रहे हैं आपको, ये रहा, ठीक है। तो अभी इसके जो पिछले वीडियो में मैंने नंबर लाइन का जो वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन अराइज किया था किसी ने कि क्या हमको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे कभी पूछा जाए तो आप क्वेश्चन पेपर में मतलब आंसर शीट में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अगर नहीं पूछा जाता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, बट लेकिन आपको बाद में रिवाइज करना है तो पता कैसे चलेगा, तो रिवीजन के लिए इसलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी आप लिख सकते हैं लेकिन अपने लिए, ठीक है। ओके, यहां पर आ गए हम लोग, तो ये हो गया 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ये नंबर आ गया आपका 3.765। सो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, देखिए तीन डिजिट था, डेसिमल प्लेसेस, तीन डेसिमल प्लेसेस तक था, इसलिए तीन नंबर लाइंस हमने बनाई और हमने इसको 3.765 को विजुलाइज कर लिया, मतलब यहां पर फिर इसको मैग्निफाई किया, तो यहां पर फिर इसको मैग्निफाई किया, तो ये नंबर। सो दिस इज योर्स 3.765, ये नंबर है 3.765 नंबर लाइन पर, यहां पर लाइक करेगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। लास्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है 4.26 बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4.26 बार, मतलब इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर विजुलाइज करना है, ठीक है, नंबर लाइन पर इस नंबर को विजुलाइज करना है 4.26 बार। इसका मतलब ये हुआ 4.26, फिर 26, फिर 26, ऐसे कई बार 26 आएंगे तो कैसे आप शो करोगे, मतलब ये हुआ कि ये हो गया 4.26, फिर 26, तो ये चार प्लेसेस तो वैसे ही हो गए, ठीक है। तो अगर हम केवल चार प्लेसेस तक शो करके फिर बाद में लिख दें, सिमिलरली वी कैन डू मतलब मोर टाइम्स फॉर शोइंग दिस, तो फिर ये हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से विजुलाइज आप नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक 4.26 चलता रहेगा, 26 जो है वो आप इनफाइनाइट टाइम्स है, तो उसको शो करना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे यहां तक हम इसको शो करें, चार प्लेसेस तक आप शो करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है ना 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, मतलब हमें 4 और 5 के बीच में का हमें एक्सपेंशन करना, वो मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 4.0 और 4.1, एक थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड दिस इज 5.0। तो ये नंबर लाइन हो गई जहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, 4.1, 4.2, ये 4.2 और 4.3, देखिए 4.26 है, दो डिजिट लेंगे अगर 4.26 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 4.2 और 4.3 के बीच में लाइन करना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपैंड किया, यहां पर लिखेंगे 4.20 और फिर एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.30। तो ये हो गया आपका 4.30, ठीक है, एरो बना दिया और इसको हम इसके साथ ऐसे बढ़ा, ठीक है। सो मैग्निफाई किसको किया हमने, इसको मैग्निफाई किया, यहां पर हमने इसको मैग्निफाई कर दिया, मैग्निफिकेशन का मैंने साइन बना दिया है, ये मैग्निफाई किया है। अब हम देखेंगे 4.26,
फिर 2 आता है 4.262, मतलब पहले 4.26 देखो, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 और ये हो गया आपका 4.26 और ये हो जाएगा 4.27। सो ये नंबर जो है, ये नंबर इसी के बीच में लाइक करेगा यहां पर, ठीक है। तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं, चलिए इसको एक्सपैंड कर रहे थे, ये हो गया और फिर यहां पर आप 4.26 लिखिए और यहां पे लिखिए 4.27। अब इसके बीच में आपको 9 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है। तो ये हो गया 4.26, 1, 4.26, 1, 4.26, 2, 4.26, 3, 4.26, 4, 4.26, 5, 4.26, 6। सो यहां पर हमें 4.262 चाहिए, तो 4.262 ये रहा और 4.266 है, तो यहां पर फिर से ये हो गया 4.262 और ये नंबर हो गया 4.263। इन दोनों को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, यहां पर हमने एक्सपैंड कर दिया था तो इसका ये बना लिया हमने ऐसा, और अब यहां पर एक्सपैंड करेंगे 4.262। तो अब आगे यहां पर कहीं पर लाई करेगा तो आप यहां पर लिख देंगे 4.26 बार। इतना करने से आपको समझ में, ये आप शो कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रिकरिंग टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आप चाहे तो एक बार और बना करके भी, इसके नीचे भी एक और नंबर लाइन बना करके भी शो कर सकते हैं, लेकिन इतने से हो जाएगा। यहां पर 26 बार आ जाएगा, 262 फिर 6, ठीक है। तो चार चार नंबर लाइन बनाकर आप 2626 दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बीच में भी आप पूरा नहीं प्लॉट कर सकते, उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, मतलब हमें बीच में कहीं दिखाना पड़ेगा कि यहां पर ये नंबर लाई करेगा, ठीक है। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस चीज को समझने के लिए कि किस तरीके से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से किसी भी नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को हम शो कर सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, चलिए अभी पहले 2 डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिया 6.43। सपोज इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर विजुलाइज करना है 6.43, तो बताइए कितनी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी आपको। यस, 2 नंबर लाइन से इसमें हो जाएगा, केवल एक बार मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा और ये 2 नंबर लाइन के थ्रू हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये नंबर 6.4 और 6.5 के बीच में लाई करेगा, तो पहले हम 6 यहां लिखेंगे 6, तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 एंड 7.0। सो ये नंबर हो गया 6.0 से लेकर के 7.0 तक, ये नंबर है। अब ये नंबर 6.43 है, मतलब 6.4 और 6.5 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, ये रहा आपका 6.4 और ये रहा 6.5। अब हम इसको एक्सपैंड कर लें, सो यहां पर आ गया आपका 6.4, ठीक है। तो 6.40, फिर 6.41, 6.42, 6.43 आ गया ना, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49 एंड 6.50, 6.50। तो ये हो गया आपका 6.43, ये नंबर आ गया आपका, ये मैं नीचे दिखा दे रहा हूं, 6.43।
तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपैंड किया है और यहां पर हम बना देंगे एक सर्कल बना के ऐसा, और ये मैग्निफिकेशन का मतलब ये आपका लेंस बना दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब हमने केवल एक बार मैग्निफाई किया और ये नंबर 6.43 हमने विजुलाइज करा दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसी नंबर को और आगे लेके चलते हैं। सपोज मैंने लिखा 4.34, 6.436, अब ये तीन डिजिट का हो गया, तीन डिजिट का, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस थ्री अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 4.36, 6.43 यहां से निकाल रहा हूं मैं, 6.43 है ये, दिस इज 6.43 और ये 6.44 के बीच में लाई करेगा, अंडरस्टैंड, 6.43 और 6.44 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो फिर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, यहां से ये एक्सपैंड करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये लिखेंगे 6.430, एक डिजिट बढ़ेगा ना इसमें पीछे, तो 6.43, 1, 6.43, 2, 4, 6.43, 6.43, 1, 6.43, 2, 6.43, 6.43, 6.43, 4, 6.43, 4, 6.43, 5, 6.43, 6, 6.43, 9, and 6.440, 6.440, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन, ये 6.44 है, इसको हमने यहां से ऐसे कर दिया, तो ये हो गया आपका 6.446, कहां पर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया आपका, ये नंबर आया 6, ओके, एरो ऊपर बना देता हूं, 6.436, 6.43, 6.43, 2, 6.43, 6.43, 6.43, 4, 6.43, 5, 6.43, 6, 6.43, 7, 6.43, 8, 6.43, 9, and 6.40, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये तीन डेसिमल प्लेसेस यहां पर हमने दो बार मैग्निफिकेशन इसका किया है, ये देखिए दो बार मैग्निफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से ये नंबर दो डेसिमल प्लेसेस और तीन डेसिमल प्लेसेस को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम ये कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिस करने के लिए और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को और अच्छे से समझ लेते हैं और एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं कि हमको समझ में आया नहीं आया, तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलिए कोई एक नंबर लेते हैं और अब आप उसको खुद भी करिएगा साथ में। मैंने लिया है मान लीजिए 5.8243, 5.8243 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, और इसको हम विजुलाइज करने जा रहे हैं, चार डेसिमल प्लेसेस तक है, मतलब हमको तीन बार मैग्निफाई करना पड़ेगा और चार नंबर लाइंस बनेगी, ठीक है, और चौथी नंबर लाइन में ये नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर आप देख रहे हैं 5.8, सबसे पहले तो देखिए 5.8 और 5.9 के बीच में लाई कर, तो पहली जो नंबर लाइन आएगी उसमें हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 और 6 के बीच का नंबर है तो 5.0, तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 एंड 5.8, 5.9 एंड 6.0, तो ये हो गया आपका पहला, कि ये 5 और 6 के बीच का नंबर है। अब आप जरा देखिए 5.8 से भी बड़ा है ये, थोड़ा सा 5.8, मतलब ये 5.8 और 5.9 के बीच लाई करेगा, मतलब यहां कहीं पर ये हो गया आपका 5.8 और ये हो गया आपका 5.9, तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे,
पहले एक्सपैंड कर लेंगे यहां थोड़ा सा और दूर ले जाके। आप इसको थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और ऊपर ही रखिए, ऐसा करें। तो यहां पर आप लिखेंगे 5.8, आप जीरो लगा लीजिए क्योंकि आपको इसके आगे 1, 2, 3 स्टार्ट करना है। सो ये हो गया 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89 एंड 5.90। तो ये हो गया आपका 5.90 और इसको हम यहां से ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरी नंबर लाइन, हमने यहां पर एक बार मैग्निफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 5.8 से 5.9 के बीच का मैग्निफिकेशन, और उसके बीच में हम देखेंगे 5.82 और 5.83 से। ये देखिए 5.82 है, ये है 5.81, 5.82, ये है आपका 5.82, ये है 5.83। तो ये जो नंबर है 5.82 और 5.83, इसको हम मैग्निफाई करेंगे क्योंकि ये नंबर आप देख रहे हैं कि 5.8243 है, 8243। तो अब यहां से इसको एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, यहां से ये लिख रहा हूं मैं 5.820, ठीक है। नंबर लाइन बना दीजिए 5.821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829 एंड 830, 5.830, ये 5.830। अब हमने इसको मैग्निफाई किया है, इसलिए यहां पर सर्कल बनाकर ये मैग्निफिकेशन बना दिया इस तरीके से। अब ये हो गया 5.821, 5.822, 5.823, 5.824। तो ये हो गया आपका 5.824, ये हो गया 5.825। ये अब इसके बीच में लाइन करेगा क्योंकि आपको लिखना है 5.824 और 824 से भी वो बड़ा है, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, यहां से चौथी बनेगी ये 5.8240, ठीक है। और 5.8 यहां से स्टार्ट करिए, 5.8241, 5.8241, 5.8241, 5.8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250। सो ये होगी आपकी फोर्थ नंबर लाइन, ये 8250, ठीक है। तो ये हो गया 5.8250। तो हमको ये दिखाना है 5.82 41 42 43, ये नंबर है आपका, ये नंबर, ये है 5.8243। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से ये मैग्निफिकेशन का साइन और बना दीजिए यहां पर। ये मैंने बनाया सर्कल और ये इसमें थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा गंदा बनाया बना लेना ठीक से। तो और एरो बनाना मत भूलिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में जो गैप्स हैं ना, ये बराबर बराबर रखिएगा, नाप के नहीं, मतलब ऐसा कोशिश कीजिएगा कि ये बराबर दिखाई दे, जैसा इसमें दिख रहा है ना बराबर बराबर, ये डिस्टेंस, तो ये देखने में बहुत सुंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो आप उसको स्केल यूज करके बनाइएगा, ठीक है, फ्री हैंड जैसे मैंने बनाया उस तरीके से नहीं, आप फ्री हैंड बनाइए, स्केल यूज करके बनाइए, अपना रूलर भी यूज करके बनाइए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जैसे 5.8 बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, कैसे विजुलाइज करेंगे नंबर लाइन पे, वो मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे इरेशनल नंबर रेशनलाइजेशन की बात करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि 5.8 बार का मतलब होता है 5.888 एंड इनफाइनाइट टाइम्स। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसको पूरी तरीके से, तो विजुलाइज हमने पहले ही एक क्वेश्चन लेके पहले बता दिया था आपको कि ये पूरी तरीके से आप इसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, केवल आपको दो तीन बार बताना पड़ेगा कि इसके बीच में लाइक करेगा। तो पहले आप देख रहे हैं ये 5.8 है, तो ये 5.8 और 5.9 के बीच में लाइक करेगा। तो हम सबसे पहले तो बनाएंगे 5.8 और 5.9, तो पहले यहां से चलना पड़ेगा 5.0 से लेकर के, ठीक है। तो ये 5.0 तो मतलब 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.60, तो ये हो गया आपका 6.0। तो ये हो गया आपका 5.8, दिख रहा है आपको 5.9, ठीक से दिख रहा है 5.8 और 5.9 के बीच में 5.88 लाना पड़ेगा, मतलब सेकंड टाइम इसको, मतलब फर्स्ट टाइम इसको करना पड़ेगा, क्या करते हैं इसको मैग्नीफाई करना होगा। तो ये हो गया आपका 5.80। अब यहां इसको एक्सपैंड करेंगे 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88 और 5.89, तो ये आएगा 5.88, 5.89 और 5.90। तो ये हो गया, मैंने इसको एक्सपैंड किया, ये लास्ट वाला जो है ये है आपका 5.90, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया, ठीक है। तो हमने यहां पर मैग्नीफाई किया है ये, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैग्नीफाई कर दिया 5.88 पकड़ना, तो 5.88 ये है, फिर से ये नंबर यहीं पर लाई करेगा इन्हीं के बीच में 5.88 और 5.89, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो फिर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा इधर ये 5.881 अब यहां से स्टार्ट करेंगे आप लोग 5.881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888। सो ये 889 और ये लास्ट में, सॉरी ये थोड़ा दूर चला गया इसको, तो ये हो गया 5.881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 और 89 और 5.890। तो ये हो गया आपका 5.890। अब ये है, इसको एक्सपैंड करके आप दिखा सकते हैं, यहां पर एक बार और एक्सपैंड कर लीजिए, क्या आपको दिख रहा है ये, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, क्या दिख रहा है ये, एक मिनट मुझे देख लीजिए, हां जी ये दिख रहा है। तो ये यहां से स्टार्ट करेंगे 5.888, ठीक है, और फिर इसको एक्सपैंड करेंगे 5.881, 8882, 8883, 8885, 8886, 8887, 8888, ये 8889, 8890। So, ये हो गया आपका, तो ये एक मैग्निफिकेशन हो गया, ओके, और फिर ये एक मैग्निफिकेशन हो गया। बस अब आप यहां पर देखिए 5.8881, 5.8882, 5.8883, 5.8884, 5.8885, 5.8886, 5.8887, 5.8888, 5.8888 यहां पर और इसके बीच में यहां कहीं पर लाई करेगा 5.8888 एंड सो ऑन। सो ये हो गया आपको रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं 5.8888 चार बार 8, और ये हो गया आपका 5.8889, इनके बीच में ये कहीं पर लाई करेगा,
और इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा तब जाकर होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो 5.8 बार है, ये इस टाइप के जो नंबर आप विजुलाइज करना है तो वो हम इसमें दिखा सकते हैं। नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मैंने 4 नंबर लाइन से किया, मतलब 3 बार मैग्निफाई करके 5.8888 तक करके दिखाया आपको, ठीक है। तो ये पूरी तरह से विजुलाइज नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन बस इतना बता सकते हैं कि ये यही इनके बीच में कहीं पर लाई करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको लेकर के इरेशनल नंबर्स को, मतलब जो रेशनलाइजिंग होता है कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स के बारे में अगले क्लास में इरेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।